हाय एवरीवन, मैं भी सुजीत स्वागत करता हूँ सभी को हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकलर्स पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड प्रीएम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन थे जो कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड बोले थे? चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी में एन ए पालकीवाला एंड ऑप्शन डी में एम के गांधी। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? जो प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल होता है इज लाइक इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, देखिए अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर रहता है उसके पहले देखे होंगे, हम नोटिस किए होंगे, तो एक रहता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। उसमें क्या लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा जो किताब लिखा गया है किस रिलेटेड है और क्या क्या सब लिखा गया है। मतलब इतना तो ब्रीफ में नहीं लिखा था, लेकिन एक समरी टाइप का होता है, इन शॉर्ट रहता है और समरी टाइप का। तो उसी टाइप का हम लोग का प्रीएम्बल। जो कौन बोले थे जो कि प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड? चार ऑप्शन देगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा एन ए पालकीवाला। ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोले थे? प्रीएम्बल को बोले थे। हो गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइम्स हैज द इंडियन प्रीएम्बल बीन अमेंडेड। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में दिया गया 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी में दिया गया 3 एंड ऑप्शन डी में दिया गया नॉट अमेंडेड। जो कि जो प्रीएम्बल है कि आज तक कितने बार संशोधन किया गया है, संशोधन मतलब जो होता है अमेंडमेंट, तो कितने टाइम अमेंडमेंट किया गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। कब किया गया था 42nd अमेंडमेंट? कब? ईयर था आपका 1976। इसको और क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सारे अमेंडमेंट कर दिया गया था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला भी जाता है। और क्या क्या वर्ड्स सब ऐड किया गया था, टर्म क्या क्या ऐड किया गया था? एक तो और क्या गया था आपका सोशलिस्ट, और क्या सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों ही वर्ड आर क्या गया था जो अमेंडमेंट हुआ था, कब? 1976 में। हो गया, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इंप्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट नेशन। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ड ये इम्प्लाइज करता है कि इंडिया ना ही किसी कंट्री का डोमिनियन है या फिर ना ही मतलब किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है अपने लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए। चार ऑप्शन दिया गया, रिपब्लिक, सेकुलर, सोवरेन एंड लिबर्टी। चारों का मीनिंग देखते हैं। जो रिपब्लिक मतलब क्या होता है, इलेक्टेड नहीं होते हैं जो इंडिया का जो हेड होता है वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है। जैसे कि आपका हो गया ब्रिटेन में क्या रहता है, मोनार्की कि उनका जो रहेंगे हेरिडेटरी हेड वंशानुगत जो रहेंगे वो रहेंगे हेड। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इलेक्टेड होते हैं, ना ही कि मतलब आज एक प्राइम मिनिस्टर है तो जो उनको सक्सेस करेंगे उनका बेटे ही करेंगे, फिर उनका बेटा उनको करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग इलेक्ट करते हैं, जो योग्य हो गया हम लोग उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, तो ये नहीं है। और जो सेकुलर हो गया, धर्म निरपेक्ष मतलब किसी भी एक रिलीजन को हम अफोर्ड नहीं करते हैं, हम सभी रिलीजन को एक ही समान देखते हैं, बराबर देखते हैं, तो ये तो नहीं होगा। और हो गया आपका सोवरेन का मतलब होता है क्या, कि इंडिया जो लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा वो खुद ही बनाएगा एंड खुद ही इम्प्लीमेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ना ही किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। जैसे कि आपका हो गया कॉमनवेल्थ हो गया एंड यूएनओ हो गया, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर सही लगा तो ही करेगा। जो कि इसका मतलब जो ये सेंटेंस ऊपर में लिखा गया है इसका मीनिंग यही होता है, सोवरेन। जो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, वन टाइप ऑफ फ्रीडम मतलब बोलने का फ्रीडम और कुछ करने का फ्रीडम, तो ये तो नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सोवरेन। हो गया, चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज, जो इंडिया में जो सोशलिज्म चलता है वो किस टाइप का होता है। चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए में स्टेट सोशलिज्म, ऑप्शन बी में दिया गया कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ऑप्शन सी में दिया गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड ऑप्शन डी में दिया गया नॉन ऑफ द अबव। फर्स्ट, तो जो सोशलिज्म होता है वो बेसिकली टू टाइप का होता है, टू टाइप्स, क्या क्या होते हैं, एक होता है स्टेट सोशलिज्म और एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, ये स्टेट सोशलिज्म के भी कम्युनिस्टिक सोशलिज्म बोलते हैं, मतलब कि इसका ये दोनों का मीनिंग एक ही है। तो देखिए, जो स्टेट सोशलिज्म होता है इसमें क्या होता है, इसमें एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रहता है उसको सब रद्द किया जाता है, सब किसके पास रहता है, स्टेट के पास, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो नेशनलाइजेशन ऑफ और प्रॉपर्टीज हो गया आपका, स्टेट के पास रहता है। और जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रहता है, इसका मतलब क्या है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक भी और प्राइवेट भी दोनों मिलकर पार्टनर बन के ही मतलब चलाएंगे, मतलब हो गया सेक्टर, हो गया कंपनी, हो गया कुछ भी हो गया, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलकर ही चलाएंगे। इसको और क्या बोला जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों मिलकर बना रहे तो मिक्स्ड तो होगा ना, क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये एक मतलब स्टेट का ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, जो कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कौन सा है, इंडिया का है, इंडिया का है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये होगा आपका सही आंसर, हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टर्म सेकुलर इज एडेड इन द प्रीएम्बल, जो सेकुलर जो टर्म था वो प्रीएम्बल में मतलब किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए में देगा फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी में देगा 42nd अमेंडमेंट एंड ऑप्शन सी में देगा 44th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी में देगा 73rd अमेंडमेंट। एक एक करके देखेंगे, मतलब कब कब आया था, क्या क्या है उसका मतलब, जो सेकुलर है मतलब क्या है सेकुलर का, धर्म निरपेक्ष, रिलीजन के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पर, देर आर थ्री टाइप ऑफ स्टेट, देर आर थ्री टाइप ऑफ स्टेट, क्या क्या है उसका, एक होता है आथिस्टिक स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट एंड सेकुलर स्टेट, टोटल थ्री टाइप के होते हैं। जो आथिस्टिक स्टेट मतलब क्या होता है, इसमें इन ये लोग कोई से भी रिलीजन को मानते नहीं है, हो गया। और जो थियोक्रेटिक मतलब क्या होता है, थियोक्रेटिक स्टेट, इनका मतलब होता है कि प्रो रिलीजन, एक ही रिलीजन को ये लोग अफोल्ड करेंगे, जैसे कि आपका हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश और हो गया आपका म्यांमार, श्रीलंका, एक ही रिलीजन को अफोल्ड करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान का हो गया इस्लाम, तो हो गया। और जो होता है क्या, सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्म निरपेक्ष, किसी एक रिलीजन को हम अपोल्ड नहीं करेंगे, हमारे लिए सभी रिलीजन सेम है, इक्वल मतलब समान बराबर है, जैसे कि आपका इंडिया हो गया, यूएसए, बहुत सी कंट्री हैं, यूएसए हो गया आपका। तो जो सेकुलर जो टर्म ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी प्रीएम्बल में, कौन सा अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट, कब, 1976 में, एक ही बार ही आज तक अमेंडमेंट किया गया है, जो कि 42nd अमेंडमेंट है 1976। तो आपका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, ये होगा आपका सही आंसर, जो कि सेकुलर ऐड किया गया था। और क्या क्या ऐड किया गया सेकुलर के साथ, और ऐड किया गया था सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, हो गया। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 44th अमेंडमेंट, इसमें क्या किया गया था, इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या था, फंडामेंटल राइट, लेकिन इसको क्या कर दिया गया चेंज करके, एक लीगल राइट, आर्टिकल पहले आर्टिकल 31 में था, अभी कितना आर्टिकल में, 300 ए में, हो गया। और जो 73rd अमेंडमेंट है, इसमें क्या किया गया था, इसमें क्या किया था, पंचायती राज, कब हुआ था ये, 1992 पंचायती राज ऐड किया गया था। और जो इसमें ये हुआ गया था 1978 में, और ये हुआ गया था आपका 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट,
1976, ये 1978 एंड ये 1992 हो गया कंप्लीट, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम, ऑप्शन ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी रशियन रिवॉल्यूशन। चार ऑप्शन दिया गया, कौन सा रिवॉल्यूशन से आपका जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया लिया गया था। जो जस्टिस टोटल थ्री टाइप के होते हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल में क्या होता है, सोशल में ऑन द बेसिस ऑफ मतलब आपका कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया, इसके आधार पर किसी भी मतलब सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, मतलब सबको इक्वल मतलब जस्टिस मतलब मिलेगा। ये होगा आपका सोशल जस्टिस। और जो इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि इकोनॉमिक फैक्टर को लेके, इकोनॉमिक फैक्टर को आधार करके किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, हो गया। और जो पॉलिटिकल जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है कि नो सिटीजन मतलब ऑल सिटीजन शुड हैव पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। ये आपका हो गया पॉलिटिकल जस्टिस, हो गया। और जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को मिला के क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि तो मतलब सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया किससे लिया गया था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रशियन रिवॉल्यूशन। कब, 1917, हो गया। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या क्या लिया गया था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या क्या लिया गया था, लिया था आपका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जो क्या होता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड ओरशिप, उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी अशोरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये सब है किसे ले गया था आपका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस किसे ले गया था आपका, रशियन रिवॉल्यूशन से, हो गया क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑब्जर्व दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में आपका बेरुवारी यूनियन केस, ऑप्शन बी में दिया गया आपका केशवराम भारती केस, ऑप्शन सी में दिया गया एलआईसी ऑफ इंडिया केस एंड ऑप्शन डी में दिया गया नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कोई सा भी नहीं है, क्या होगा सही आंसर। देखिए, जो इनमें से जो चार जो तीन केस दिया गया, इनमें से कौन सा केस था या फिर मतलब कोई से भी नहीं, कि बोला गया था कि प्रीएम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। चार ऑप्शन दिया गया, देखिए जो ऑप्शन है बेरुवारी यूनियन केस कब आया था, ये 1960 में इसका डिसीजन आया था कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। ये आपका आ गया किसमें, बेरुवारी यूनियन केस 1960। और केशवराम भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें क्या डिसीजन है आपका कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इंटीग्रल पार्ट नहीं। कब आया था ये, 1973 में। क्या मतलब जजमेंट है कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इंटीग्रल पार्ट नहीं है, हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिए कब आया था। और जो ऑप्शन सी में आपका है एलआईसी ऑफ इंडिया केस, कब आया था, 1995 में। हाँ, इसमें जजमेंट आया कि नहीं, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, एलआईसी ऑफ इंडिया केस। जो क्वेश्चन में पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑब्जर्व दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन सी एलआईसी ऑफ इंडिया केस, हो गया। ये होगा आपका सही आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ वो सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वो आपको मैं दे दूंगा लिंक इसमें। चलिए आज का सेशन ओवर करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।